शगुफी अंजुम, टुडे वी विल लर्न अबाउट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन ऑन स्टैक। और ये AKTU एंड CSDM यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है और कई बार NTA गेट में भी देखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। चलिए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को लिख रखा है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को लिख रखा है, तो ये है क्या, इसको जरा से समझ लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हमने लिख रखा है, ये क्या है इसको जरा सा समझ लेते हैं और फिर हम इस पे मूव करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट आपको पावर को सॉल्व करना है, एंड देन थर्ड आपके पास प्रेफरेंस रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करना है, फोर्थ प्रेफरेंस रहेगा प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखिए ब्रैकेट में भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास ये ब्रैकेट है और इसके अंदर दो ब्रैकेट और लगे हुए हैं। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, विच मीन्स पहले तो इनर ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे और इनर ब्रैकेट के अंदर भी आप पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करोगे फिर राइट वाले को सॉल्व करोगे। ओके, एंड देन देखिए हम इसके बाद प्रेफरेंस जो देंगे वो पावर को देंगे। तो पावर को देखिए आप प्रेफरेंस जब दोगे तो आपको कैसे फॉलो करना है, राइट टू लेफ्ट लेके चलना है। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये पावर जो है इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दो पावर दी गई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखा है राइट टू लेफ्ट चलना है, विच मीन्स आपको राइट से मूव करना है और पहली पावर जब आपको मिले तो आप इसको सॉल्व करोगे पहले। ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा फिर आप इस पे काम करोगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से काम करना है। और देखिए अब मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई डिवाइड, अब देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी ये लिखा है जैसे। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें मल्टीप्लाई भी है इसमें डिवाइड भी है। ठीक है, और इसकी जो प्रेसिडेंसी वो थर्ड नंबर पे आ रही है। ठीक है, इसकी जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है थर्ड नंबर पे आ रही है, लेकिन ये दोनों ही थर्ड नंबर पे हैं, तो अब हमें यहाँ पे दिक्कत होगी कि भाई हम चूज कौन सा करें। तो यहाँ पे आपको चूज कौन सा करना होगा, आपको क्या है लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो लेफ्ट से आप चलिए और आपको पहले क्या मिला, मल्टीप्लाई मिला, तो चलिए बस मल्टीप्लाई को आप सॉल्व कर दीजिए और जो आंसर आया उससे डिवाइड को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दिया होता a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई बाय c तो क्या होता, तो भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अब जब मूव करोगे तो आप क्या करोगे, पहले a डिवाइड बाय b को सॉल्व करोगे। देखिए इसमें क्या था, पहले a मल्टीप्लाई बाय b को सॉल्व किया था, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, लेकिन अब हमें पहले क्या मिला, पहले डिवाइड मिला, तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे और आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे माइनस की भी जो माइनस और प्लस की प्रेसिडेंसी है वो भी हमारी क्या है फोर्थ नंबर पे आती है और दोनों इक्वल प्रेसिडेंस रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस अगर पहले दिया है लेफ्ट से चलेंगे राइट तक के जाना है, प्लस पहले दिया तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, माइनस पहले दिया तो पहले माइनस को सॉल्व करेंगे, जैसे कुछ इस तरह से ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी लेफ्ट से जा रहे हैं तो ए प्लस बी पहले मिला मुझे तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, आफ्टर दैट हम मूव करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए अभी हमको करना क्या है कि आपको इनफिक्स नोटेशन दिया हुआ है और पोस्टफिक्स नोटेशन में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इनफिक्स नोटेशन जस्ट लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हमारी, इनफिक्स नोटेशन जस्ट लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हमारी। तो यहाँ पे जब मुझे ये इक्वेशन दी गई है तो मुझे इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट ही क्यों करना है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास इनफिक्स नोटेशन थे, सिंपल मैथ्स में इक्वेशन दिए गए थे, तो उसको हम पोस्टफिक्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्टफिक्स में आप इसलिए कन्वर्ट करोगे क्योंकि हमारा जो मशीन है उसको समझने में दिक्कत होती है इनफिक्स नोटेशन को। ठीक है, उसके ऊपर जब वो काम करता है तो वो उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पोस्टफिक्स नोटेशन में यूजिंग स्टैक इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो हमारे मशीन को समझने में, इक्वेशंस को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हमें पोस्टफिक्स नोटेशन को देखना है। तो पोस्टफिक्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम ऑपरेंड लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑपरेंड लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों ऑपरेंड को लिखना है और आफ्टर दैट ऑपरेटर को लिखना है। तो देखिए कैसे काम करोगे, सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको देना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलिए ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करोगे तो हमने सिंपल लिखा, जैसी इक्वेशन है सिंपल वैसी लिख दीजिए, ब्रैकेट पे आ जाइए। फिर अब इसके अंदर देखिए ऑपरेंड कौन है, ओ और पी है, तो ओ और पी को पहले लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या कहता है, ऑपरेंड को पहले लिख दीजिए और फिर इसके बाद जो भी आ रहा है ऑपरेटर वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा एक ऑपरेंड पूरा बन गया, ठीक है, ऑलराइट। और बाकी इक्वेशन आप ऐसे ही नोट कर दीजिए, ओके। तो ये जो हमारा एक ऑपरेंड बना, हम इसको एज्यूम भी कर लेते हैं। तो यहां पे हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट ओ पी की पावर आर वन, ठीक है, हमने इसको क्या करा, आर वन मान लिया। अब हम आर वन जब हमने इसको मान लिया तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आर वन से। तो यहां पे हमने सिंपली आर वन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने R1 को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए आगे, देखिए अब आगे देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं बचा है। तो हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाद आपको किसको देखना है, पावर को। क्या इस इक्वेशन के अंदर पावर मौजूद है, नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, थर्ड वाले पे चलूंगी। क्या यहाँ पे अब दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड, और मल्टीप्लाई डिवाइड में भी लेफ्ट से राइट चलना है। चलिए चलिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे मूव होना शुरू हुए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ढूंढ रहे हैं और मुझे पहला मल्टीप्लाई यहाँ मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेंड को लिख लेंगे, मतलब देखिए मल्टीप्लाई के लेफ्ट में राइट में जो भी ऑपरेंड है उनको आपने पहले लिख लिया, और फिर इस मल्टीप्लाई को आपको इसके बाद लिख देना है, मतलब ये ऑपरेटर जो है इसके बाद आपने लिख दिया, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है, पूरी इक्वेशन ऐसे ही नोट कर दी। और ये हमारा क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया। इसको भी हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया एम एन मल्टीप्लाई आर टू, एज्यूम कर लिया। तो इसको रिप्लेस करिए, के प्लस एल प्लस आर टू माइनस आर वन, और बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए तो ये हमारा देखिए, यहाँ पे हमने आर टू से इसको रिप्लेस कर लिया। अब दोबारा हमारा क्या काम है, इसी इक्वेशन में मुझे फिर से ही देखना होगा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड और कहीं तो नहीं दिख रहे हैं। चलो इसी इक्वेशन में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए चले, तो हमें यहाँ पे देखिए हमें मिल चुका है एक और मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ऑपरेंड को पहले लिख देंगे, ठीक है। ऑपरेंड को हमने पहले लिखा, तो ऑपरेंड क्या है यहाँ पे, आर वन और डब्लू है। तो आर वन और W को हमने पहले लिखा, मल्टीप्लाई हमने बाद में लिखा, और फिर एज इट इज जो भी इक्वेशन थी हमारी उसको हमने नोट कर दिया, ठीक। अब हमने यहां पे काम किया है, तो अब हम इसको भी क्या कह रहे हैं कि ये क्या है हमारा, एक ऑपरेंड है। ये क्या है हमारा, एक ऑपरेंड है। तो हमने इस ऑपरेंड को मान लिया आर वन डब्लू मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आर वन डब्लू मल्टीप्लाई, इसको हमने मान लिया आर थ्री। तो रिप्लेस कर दीजिए, के प्लस एल प्लस आर टू माइनस आर थ्री डिवाइड यू डिवाइड वी मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू। तो ये हमारी जैसी क्वेश्चन थी हमने लिख ली और इसको बस रिप्लेस कर दिया आर थ्री से, ओके। एंड देन फिर हमें क्या देखना है, फिर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड पर ही अभी फोकस करना है जब तक कि इक्वेशन बिल्कुल एंड पे नहीं आ जाती। तो हमने फिर से इसको लेफ्ट से राइट मूव किया और यहाँ पे हमने क्या पाया कि अब हमें मुझे डिवाइड मिला है। तो डिवाइड मिला है तो हम क्या करेंगे, सेम सेम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, के प्लस एल प्लस आर टू माइनस आर थ्री वी, नहीं यू है ये हमारा, तो यू डिवाइड का साइन। अब देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड मिला, तो आर थ्री यू को हमने पहले लिख लिया और फिर डिवाइड को बाद में लिख लिया, क्योंकि इसमें ऑपरेंड पहले आ जाते हैं और डिवाइड जो ऑपरेटर है हमारा वो बाद में आएगा, ठीक है। और बाकी इक्वेशन एज इट इज नोट कर दीजिए।
अब हम क्या करेंगे, इसको एक ऑपरेंड मान लेंगे। तो इसको जब आपने एक ऑपरेंड माना तो हम यहाँ इसको कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा, इसको हमने यहाँ पे लिखा आर थ्री यू डिवाइड, इसको हमने मान लिया आर फोर। ओके, तो आगे देखिए हम फर्दर वर्क करते हैं इसमें, के प्लस एल प्लस आर टू, इसको रिप्लेस कर दिया आर फोर से, और डिवाइड वी मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू। एंड देन इसके बाद हम दोबारा से लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और यहाँ देखेंगे कहाँ पे हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पहला डिवाइड मिल चुका है, यहाँ पे हमें डिवाइड मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आर फोर वी डिवाइड मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये आर फोर वी मल्टीप्लाई, ऑपरेंड आपने पहले लिख दिए और ऑपरेटर आपने बाद में लिख दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया, ये एक ऑपरेंड बन गया। तो आर फोर वी डिवाइड आर फाइव, इसको हम लिख देते हैं कि इसको हमने आर फाइव मान लिया है। के प्लस एल प्लस आर टू माइनस आर फाइव मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू। ओके, तो देखिए अब फिर से हमारा अभी भी वर्क जारी है कि हम देखें मल्टीप्लाई डिवाइड कोई और तो नहीं बचा है। लेफ्ट से फिर से आप चलना शुरू करिए, लेफ्ट से आप फिर से चलना शुरू करिए। तो आपको यहां पे देखिए मल्टीप्लाई फिर से हिट हुआ, ठीक है। तो अब हम आर टी को पहले लिख देंगे और मल्टीप्लाई को बाद में लिख देंगे। तो यहां पे हमने आर फाइव और टी को पहले लिखा, मल्टीप्लाई को बाद में लिखा, ठीक। और फिर हम इसको भी कह रहे हैं एक ऑपरेंड बना लेते हैं, तो हमने एक ऑपरेंड इसको बना लिया और इसको हमने एज्यूम करा, इसको हमने एज्यूम करा है आर सिक्स। तो आर सिक्स हमने इसको एज्यूम कर लिया है, चलिए। अब देखिए इक्वेशन के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, अब हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म हुए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म हुए, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट प्रेसिडेंसी बची हुई है वो प्लस और माइनस की है, तो चलिए उस पे काम करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं बिकॉज वहां पे जगह नहीं बची थी। तो यहाँ पे हमने के प्लस एल प्लस आर टू माइनस आर सिक्स प्लस क्यू, ये लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे इस पे वर्क करते हैं फर्दर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। अगर आपको प्लस मिल जाता है या माइनस मिल जाता है तो आप के एल प्लस इस तरह से कर दोगे, क्यों, क्योंकि देखिए जो ऑपरेटर है वो बाद में आ जाता है, ऑपरेंड पहले आ जाता है। और ये हमारा क्या हो गया, ये एक ऑपरेंड बन चुका है। तो इसको हम लेट्स मान लेते हैं कि ये के एल प्लस जो है ये हमारा क्या है, आर सेवन है, ठीक है। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया आर सेवन प्लस आर टू माइनस आर सिक्स प्लस क्यू, ठीक है। अब हम फिर से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और हमें अब क्या मिला, फिर से प्लस मिला। फिर हम क्या करेंगे, आर सेवन आर टू को पहले लिख देंगे क्योंकि ऑपरेंड को पहले लिख दिया जाता है और ऑपरेटर को बाद में लिखा जाता है। तो हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया। और हमने इसको कुछ और एज्यूम कर लेना है, जैसे हमने इसको एज्यूम कर लिया आर एट। तो यहाँ पे आर एट लिखा, आर एट माइनस आर सिक्स प्लस क्यू, ठीक। एंड देन फिर से हम मूव करना शुरू करेंगे लेफ्ट। तो लेफ्ट में जैसे ही हमने मूव किया हमने पाया माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, आर एट आर सिक्स को पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे और इसको भी हम एक ऑपरेंड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा आर एट आर सिक्स माइनस, इसको हमने आर नाइन मान लिया, तो यहाँ पे हमने इसको आर नाइन लिखा प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे प्लस हिट हुआ तो आर नाइन क्यू को पहले लिख देंगे और प्लस को बाद में लिख देंगे। चलिए इतना काम हमारा हो गया और ये खत्म हुआ। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस करना शुरू करेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो आर नाइन को आपने किससे लिख रखा है, आर नाइन को आपने लिखा है आर एट आर सिक्स। तो यहाँ पे हम आर एट आर सिक्स माइनस लिख देते हैं आर नाइन को, इसको हमने रिप्लेस किया है, आर नाइन को हमने रिप्लेस किया है। देखिए यहाँ पे क्या है, आर एट
माइनस आर एट आर सिक्स माइनस, तो उससे हमने इसको रिप्लेस किया और क्यू प्लस एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, अब हमें आर एट और आर सिक्स को भी रिप्लेस करना होगा। तो आर एट हमारा यहाँ दिया है जो कि क्या लिखा है, आर सेवन आर टू माइनस। अब आर सिक्स जो है हमारी पीछे वाली स्लाइड में है, तो चलिए देख लेते हैं उसको चल के। आर सिक्स हमारा यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर सिक्स क्या लिखा है, आर फाइव टी मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं आर फाइव टी मल्टीप्लाई, ठीक। एंड देन जैसा लिखा हुआ है एज इट इज आप नोट कर दीजिए। फिर आर सेवन को रिप्लेस करिए, तो आर सेवन देखिए हमारे पास यही लिखा है, तो के एल प्लस है, तो के एल प्लस आप लिखिए यहाँ पे। और आर टू को भी रिप्लेस करना है, तो आर टू हमारी ये वाली स्लाइड में था, तो आर टू हमारा क्या, एम एन मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं एम एन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया एम एन मल्टीप्लाई। माइनस लगाइए, फिर आर फाइव को रिप्लेस करिए, और आर फाइव देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, तो आर फाइव आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर फोर वी डिवाइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर फोर वी डिवाइड, और जैसा बाकी सब इक्वेशन में लिखा है वो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमें आर फोर को रिप्लेस करना है, तो बाकी एज इट इज लिख दीजिए, आर फोर पे हम आके इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे आर फोर को रिप्लेस करना है, तो आर फोर को आप रिप्लेस करिए के एल एम एन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस, और आर फोर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर फोर की वैल्यू जो है हमारे पास है आर थ्री यू डिवाइड, तो हम इसको लिख देते हैं आर थ्री यू डिवाइड। फिर एज इट इज जैसी इक्वेशन लिखी है आप लिख दीजिए। एंड देन मुझे आर थ्री को रिप्लेस करना है, तो आर थ्री को आप रिप्लेस करिए, ये आर थ्री हमारा क्या था, आर थ्री है हमारा आर वन डब्लू मल्टीप्लाई, आर वन डब्लू मल्टीप्लाई, अब हमें R1 को रिप्लेस करना है जो कि लास्ट रिप्लेसमेंट है हमारा। R1 क्या है, OP की पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ये देख सकते हैं OP की पावर, तो ये आपको रिप्लेस करना है जो कि लास्ट रिप्लेसमेंट है, KL प्लस MN मल्टीप्लाई OP की पावर W मल्टीप्लाई U डिवाइड V डिवाइड T मल्टीप्लाई माइनस Q प्लस। तो यहाँ पे मेरा पोस्ट फिक्स नोटेशन कंप्लीट हुआ, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। सभी बच्चे लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, एक क्वेश्चन है जो कि हम लाए हैं, आप इसको करके आप एज अ होमवर्क मुझे दोगे, और कमेंट में सभी बच्चे इसका आंसर मुझे देंगे, कमेंट में सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, सी यू।